हम सभी ब्रिटिश शासनकाल को भारत के इतिहास का सबसे खराब दौर मानते हैं, परंतु यह आधा सच है, क्योंकि हमें आधा सच ही पढ़ाया गया। हमें यह कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि मुगल काल में हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। हमें यह कभी बताया ही नहीं गया कि आज भी प्राचीन मस्जिदें व दरगाह आदि जो भी मौजूद हैं, वह किसी न किसी प्राचीन मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर बनाई गई हैं। मित्रों, अंग्रेजों ने तो केवल हमारा धन लूटा, परंतु मुगलों ने हमारा धन तो लूटा ही, साथ ही साथ हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुगल काल में नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे महत्वपूर्ण सैकड़ों शिक्षा के केंद्र तबाह कर दिए गए। हिंदुओं को जबरदस्ती म्लेच्छ बनाया गया। मित्रों, मुगलों ने हमारे कितने मंदिर तोड़े, इसका तो इतिहास भी गुम हो चुका है। परंतु कहते हैं कि सत्य कभी छिपता नहीं है, एक न एक दिन वह बाहर आ ही जाता है। और अभी कुछ दिन पहले एटा जिले में भी यही हुआ, जहां एक दरगाह परिसर में निर्माण कार्य के दौरान हनुमान जी व शनि देव की मूर्तियां निकली, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू चैनल पर। और हमेशा की तरह एक बार फिर मैं विष्णु शरण लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई ऐतिहासिक सच्ची खबर। मित्रों, यूपी के एटा जिले में जलेसर थाना अंतर्गत एक दरगाह बहुत मशहूर है, जिसे बड़े मियां की दरगाह कहा जाता है। आमतौर पर बुधवार व शनिवार को यहां मेला लगता है, जिसे जात कहा जाता है। इस जात में 1000 से 10000 तक लोग माथा टेकने आते हैं। वहीं सालाना उर्स के दौरान काफी बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ होती है। इस दरगाह की प्रसिद्धि कितनी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों दरगाह कमेटी पर 99 करोड़ रुपयों के गबन का आरोप लगा था और इसका पर्दाफाश हुआ था। इस गबन में दरगाह के अध्यक्ष अकबर अली समेत 9 पदाधिकारियों के खिलाफ जलेसर कोतवाली में FIR दर्ज हुई है। कमेटी के सदस्यों की संपत्ति की जाँच चल रही है। साथ ही प्रशासन ने दरगाह को अपने कब्जे में लेकर रिसीवर की नियुक्ति कर दी है। इस मामले को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने दरगाह परिसर में पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया। मित्रों, इसी पुलिस चौकी के निर्माण के लिए 15 अप्रैल 2022 को नींव खोदने का कार्य शुरू हुआ। यह नींव बड़े मियां मजार से मात्र 10 मीटर की दूरी पर खोदी जा रही थी। इस दौरान जमीन के करीब 4 फुट नीचे से हनुमान जी व शनि देव की प्रतिमाएं निकली, जिन्हें देखकर वहां उपस्थित हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह दरगाह अंग्रेजी शासन काल के पूर्व की बताई जाती है और 30 साल पहले इस दरगाह का जीर्णोद्धार किया गया था। ऐसे में हनुमान जी व शनि देव की मूर्ति निकलना सबको अचंभित कर देने वाला था। देखते ही देखते यह खबर चारों ओर फैल गई। इन मूर्तियों को देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही जानकारी होने पर भाजपा के स्थानीय विधायक संजीव दिवाकर भी मौके पर पहुंच गए। उनकी मौजूदगी में हनुमान जी की मूर्ति को जल से तथा शनिदेव की मूर्ति को तेल से धुलकर साफ किया गया। मित्रों, यहां यह भी बताते चलें कि जलेसर कस्बा के हसायन मार्ग पर 6 बीघा में यह दरगाह परिसर स्थित है। परिसर के एक कोने में बड़े मियां की मजार है और मजार से 40 फीट आगे विश्राम गृह है। स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि यहां पर प्राचीन समय में एक विशाल मंदिर था, क्योंकि एक मजार के लिए इतने बड़े परिसर की आवश्यकता नहीं है। मुगलों ने उस मंदिर पर अतिक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया और इसे एक मजार में तब्दील कर दिया। खुदाई में मिली 1.5 फुट की हनुमान प्रतिमा तथा 2 फुट की शनिदेव प्रतिमा को प्रशासन ने विश्राम स्थल में रखवा दिया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करके धारा 144 लगा दी गई है। भाजपा विधायक संजीव दिवाकर की मौजूदगी में श्रद्धालुओं द्वारा मूर्तियों की पूजा भी की गई। साथ ही संजीव दिवाकर जी ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की। उन्होंने फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि आज दिनांक 15 अप्रैल 2022 को जलेसर शनिदेव मंदिर की जात पर पुलिस चौकी के निर्माण हेतु हो रही खुदाई के दौरान निकली शनिदेव की मूर्ति व वीर हनुमान जी महाराज, अन्य मूर्तियां होने की भी आशंका है। शनिदेव पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। मित्रों, फिलहाल प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा है कि वह इन मूर्तियों की जांच करे कि यह कितनी पुरानी है।
पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल नींव की खुदाई रोक दी गई है। स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान सहित 12 सदस्यों ने शपथ पत्र दे करके कहा है कि यह परिसर प्राचीन मंदिर है, जिसकी जांच करके इस स्थल को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और यहां पर फिर से विशाल मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मुगलों ने जो लूटा है वह सब कुछ तो हम वापस नहीं ले सकते, परंतु हमारे मंदिर व सांस्कृतिक स्थल जो अभी मौजूद हैं वह हमें वापस मिलने चाहिए। तो मित्रों, आपका इस विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।